सुरक्षा के दृष्टिकोण से बिहार एटीएस की टीम गया पहुंची है, जहां विष्णुपद थाना क्षेत्र स्थित विष्णुपद मंदिर में मॉक ड्रिल किया गया। लगातार हो रही बारिश के बीच टीम देर रात गया पहुंची। रात 11 बजे से बिहार की एटीएस टीम ने विष्णुपद मंदिर के बगल के दुकानों के रास्ते से अलग अलग टीम मंदिर परिसर में पहुंची। इस दौरान मंदिर के बाहरी परिसर पूरी तरह खाली थे, स्थानीय दुकानें बंद हो चुकी थी। करीब 2 घंटे तक चले मॉक ड्रिल के बाद सभी एटीएस जवान बाहर निकले। वहीं मौके पर मौजूद एटीएस के इंस्पेक्टर इरशाद आलम ने बताया कि एटीएस की टीम, जिसका हेड क्वार्टर पटना में है, वो इन दिनों बिहार में जहां पर भी टाइम टू टाइम आतंकी हमला होने का आशंका है, वहां मॉक ड्रिल करवा रही है। आपको बता दें कि मॉक ड्रिल का एक भाग गया के विष्णुपद मंदिर में किया गया, जिसमें आतंकियों के मंदिर में घुसने की सूचना थी और मंदिर के अंदर बंधक बनाए जाने की भी सूचना मिली थी। उसी आधार पर ये पूरा मॉक ड्रिल करवाया गया है। हालांकि इस दौरान सिटी डीएसपी राजकुमार शाह और विष्णुपद थाना अध्यक्ष पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। गौरतलब हो कि कोरोना काल को लेकर वर्तमान समय में आमजनों के लिए विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना बंद है। एटीएस एंटी टेररिस्ट की टीम, जिसका हेडक्वार्टर पटना में है, और बिहार के जो भी इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं या जो धार्मिक स्थल है या मॉल्स है, तो टाइम टू टाइम वहाँ एक टेरर सिनेरियो बना करके उस पर ड्रिल करते हैं। उसी का एक भाग है जो यहाँ आज विष्णुपद मंदिर में भी एक मॉक ड्रिल किया गया है, जिसमें आतंकियों के घुसने की सूचना थी और कुछ लोगों को बंधक बना के होस्टेज सिचुएशन था, उसी को न्यूट्रलाइज करके कार्रवाई की गई है।